पंजाब के महानगर लुधियाना विच बुधवार को स्वाइन फ्लू के नाल पहली मौत दर्ज की गई है। यही नहीं कोविड के नाल भी सूबे विच दो मरीजों की मौत हुई है। स्वाइन फ्लू के किसी मरीज की इस साल विच यह पहली मौत हुई है। दस दिए कि 17 जून नूं डीएमसी विच दाखिल हुए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिलने वाले एडवोकेट अते भाजपा के लीगल सैल के को कन्वीनर संदीप कुमार जिन्हों की उम्र 44 साल है उन्हां दी स्वाइन फ्लू के नाल मौत हो गई है। एपीडीमोलॉजिस्ट डॉक्टर रमनप्रीत कौर ने दस्सिया कि पंजाब विच इस समय स्वाइन फ्लू के 4 मरीज एक्टिव हैं जिन्हां विचों लुधियाना के 3 मरीज हैं। तीजा मरीज मंगलवार को ही मिलिया है। उत्थे ही जिले विच कोविड संक्रमित की मौत भी दर्ज हुई है। मृतक पुरुष जिन्हों की उम्र 62 साल है लुधियाना के सलेम टावरी इलाके तो संबंधित है। सूबे विच कोविड नाल दूजी मौत अमृतसर विच हुई है। उत्थे सूबे विच कोरोना के नवे मामले 134 मिले हैं। अते पिछले 24 घंटे की जेकर गल की जाए तो यह अंकड़ा वध के 1.22% हो गया। मंगलवार को सूबे में 105 मरीज कोरोना के एक्टिव हुए हैं। जिस तरीके कोरोना के केस वध रहे हैं इस दे नाल ही हुण स्वाइन फ्लू भी पंजाब विच दस्तक दे चुका है। ते पहली मौत स्वाइन फ्लू के वायरस नाल लुधियाना तो हुई है। 3 होर मरीज जिहड़े है स्वाइन फ्लू के एक्टिव दसे जा रहे हैं। कितें ना कितें सेहत सुविधावां ते हुण सरकार नूं भी सख्त पहरा देना होवेगा अते सख्त हिदायतां दे निर्देश देने होणगे ताकि इह संक्रमण अगे ना वधे। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहन लई सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।